नाइस मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम सब्जेक्ट टेल फ्रॉम इशू क्लासेस। आज इस वीडियो में आपको नरेशन का पार्ट 3 बताएंगे। ऐसे नरेशन का पार्ट 1 पार्ट 2 पहले वीडियो में बता चुके हैं। नरेशन क्या है, नरेशन क्यों पढ़ते हैं, यह क्यों जरूरी है, नरेशन पढ़ने के लिए, नरेशन जानने के लिए क्या पढ़ना जरूरी है, पहले दो वीडियो में आपको बताए अच्छी तरीका से। यदि आप नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल को जाकर देखिए, सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम आपका यूजफुल क्लासेस। आज इस वीडियो में हम लोग डायरेक्ट से ही डायरेक्ट बनाने का कुछ अलग मेथड, कुछ अलग तरीका समझेंगे। कैसे डायरेक्ट से डायरेक्ट बनाया जाता है, ऐसे पहले दो वीडियो में आपको बताए हैं। आज कुछ अलग टाइप जानते हैं। आज हम लोग जानते हैं टाइप 3 में डायरेक्ट से डायरेक्ट कैसे बनाते हैं। चलिए देखते हैं नरेशन। आपका नरेशन है, नरेशन के बारे में आपको बताया नरेशन किसे कहते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए क्या क्या जरूरी है। आज आपको हम टाइप 3 के बारे में चर्चा करेंगे। यह टाइप 3 में क्या क्या हो सकता है, कैसे बनाएंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। तो सबसे पहला कंडीशन करें कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अर्थात कमा इनवर्टेड कमा के अंदर किसी इनवर्सल ट्रुथ का प्रयोग किया गया हो तब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम कैसे बनाएंगे। फिर से बोले, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अर्थात कमा इनवर्टेड कमा के अंदर इनवर्सल ट्रुथ, इनवर्सल ट्रुथ का मतलब दुनिया की सच्चाई चिरंतर सत्य का प्रयोग किया गया हो तब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे कैसे। तो चलिए सबसे पहले हम यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में समझते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ क्या है, और उसके बाद समझेंगे यदि यूनिवर्सल ट्रुथ का प्रयोग डायरेक्ट नरेशन में दिया हो तो आप इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे। देखिए यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होता है, यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब दुनिया की सच्चाई जिसे पूरी दुनिया मानती है। जैसे हम बोले कि सूरज पूरब में उगता है, तो यह नहीं हमारे देश में, नहीं इंडिया में, नहीं ऑस्ट्रेलिया में, बल्कि कहते सूरज पूरब में उगता है कि यह सात्विक सत्य है। हम बोले हॉनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी एक अच्छी नीति है, ईमानदारी एक अच्छी नीति है, यह क्या यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो कहें ऐसे सेंटेंस जैसे बोले द सन मूव्स अराउंड द सन, द सन मूव्स अराउंड द अर्थ, या फिर द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, हम बोले कि द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, जो पृथ्वी है सूर्य के चारों तरफ घूमती है। अब कोई बोला कि जो सूर्य है वह पृथ्वी के चारों तरफ घूमती है, तो ऐसा कहना गलत है। जो पृथ्वी है वह सूर्य के चारों तरफ घूमती है, यह इनवर्सल ट्रुथ है। और ऐसे सेंटेंस को यदि हम डायरेक्ट नरेशन में कर दें तो आप इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहला कंडीशन आपका रूल नंबर 1 क्या होगा, रूल नंबर 1 रिपोर्टिंग वर्ब को, आप रिपोर्टिंग वर्ब को इस प्रकार बोलते हैं कैसे। तो रिपोर्टिंग वर्ब में यदि सैड रहेगा तो सैड को आप सैड में बदलेंगे, यदि सैड टू होगा तो सैड टू को आप चेंज करेंगे टोल्ड में, और यदि टोल्ड होगा तो टोल्ड को आप नहीं बदलेंगे, जो भी आपका टोल्ड है तो टोल्ड लिखेंगे। करके रिपोर्टिंग वर्ब को इस प्रकार बदलेंगे कैसे, सैड को सैड में, सैड टू को टोल्ड में, और टोल्ड को टोल्ड। यह हुआ आपका रूल नंबर। रूल टू क्या होगा, रूल नंबर 2 कमा इंपोर्टेड कमास, कमा इंपोर्टेड कमास हटाकर उसके इन प्लेस हम डैट का प्रयोग करते हैं, अर्थात कमा इंपोर्टेड कमा हटाकर डैट का प्रयोग करेंगे, कमा इंपोर्टेड कमा हटाकर डैट का प्रयोग करेंगे। रूल नंबर 3 क्या होगा, रिपोर्टेड स्पीच को कैसे बदलेंगे, रिपोर्टेड स्पीच को आप कैसे बदलेंगे। तो रिपोर्टेड स्पीच में अभी बोले कि यूनिवर्सल ट्रुथ है, और यदि यूनिवर्सल ट्रुथ रहेगा तो उसमें आप कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो कहें कि यदि रहेगा आपका कि द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, तो इनडायरेक्ट बनाते समय द अर्थ मूव्स अराउंड द सन ही आपको लिखना पड़ेगा, अर्थात रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कमा इंपोर्टेड कमा के अंदर जैसा सेंटेंस रहेगा वैसा हम छोड़ देंगे। अब चलिए एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल क्या होता है। तो एग्जांपल यदि हम डायरेक्ट नरेशन ऐसे दिया हो, डायरेक्ट नरेशन यदि दिया हो, ही सेड
कमा इम्पोर्टेड कमा ही सेड कमा इम्पोर्टेड कमा एंड एस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी अनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी ये शायद कमा इम्पोर्टेड कमा अनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी याद कर रिपोर्टिंग पर पास्ट टेंस रिपोर्टिंग पर किस में पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर इनवर्सल ट्रुथ का प्रयोग किया गया दुनिया की सच्चाई हो तो इनडायरेक्ट आप बनाएंगे तो क्या करेंगे तो सबसे पहला जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब है सैड तो सैड को सैड में बदलेंगे सैड को सैड में कमा इम्पोर्टेड कमा डालकर डैट का प्रयोग करेंगे और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो भी है अनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी द अर्थ मूव्स अराउंड द सन 2 एंड 2 इज 4 आप वैसे ही छोड़ दीजिए जैसे आपका दिया इसमें अनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी अनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी ये आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हुआ इसी प्रकार यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहेगा और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर किसी इनवर्सल ट्रुथ का दुनिया की सच्चाई हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे और जो भी आपका पहले का रूल्स होता है उसको लागू करेंगे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में आज के लिए इतना ही थैंक यू